हेलो फ्रेंड्स, एक बार का देश तो कैसे आप सभी लोग, आई होप के सब बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी बारिश हो गई है शुरू, सुबह से बारिश शुरू हुई है और अभी हमारे बफलों को पानी पिलाने का टाइम हो गया है। बफल उसको पानी पिला के घास डाल देते हैं। अभी बारिश शुरू है इसीलिए वापस गोदाउन में ही बांधेंगे वो को। अभी चालू बारिश में हमको बफल उसको पानी पिलाना होगा क्योंकि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। पानी पिला देते हैं क्योंकि देर नहीं करेंगे क्योंकि इसको प्यास ज़्यादा लगेगी, इसीलिए हम उनको पानी पिला देते हैं। बारिश तो ये पूरे दिन शुरू चालू ही रहने वाले, उसकी राह हम नहीं देखेंगे। अभी बफेलर्स को पानी पिला देते हैं, फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। घास डाल देते हैं और पानी पिला देते हैं। तो ये पानी पी के आ गई है। तो अभी उनके लिए घास डाल दिया है, पानी पिलाने मम्मी लेके गई है क्योंकि आज हमारी बारी नहीं है, मम्मी की बारी है। आज हमारी बारी आई है घास डालने में सबको, वरना रोज हमको एकदम हमारी बारी होती है पानी पिलाने में। आज हमारे घास डालने में बारी आई है। उसने तो पानी पी के अभी तो घास भी अभी ख़त्म कर जाएगी क्योंकि वो खाना खाने में एक्सपर्ट है, जल्दी सब साफ कर देती है। और ये छोटी क्या देख रही है, मक्खियाँ ज्यादा करती है क्योंकि अंदर तर गोदाउन में तो यह क्या है, भैंस का गोबर वगैरह होता है, इसीलिए मक्खियाँ तो ये होगी और मच्छर भी बहुत है। और अभी तो आपको पता ही है कि बारिश के वातावरण में सब ज़्यादा होता है। देखो यह खाने के लिए कितनी उतावली हो रही है। कारण तो सबको घास डाल दिया है पानी पिला के। इनको क्या प्रॉब्लम आई है, ये घास खा नहीं रही है। घास बारिश की वजह से थोड़ा भीगा हो गया है, वो वजह हो गई। उसको डाला तो उसने भी नहीं खाया, वो पहले डाला था उनका और खा लिया, इनके पास से उनके पास दिया है, वो भी सूंघ रही है, खाने स्मेल ही कर रही है, इसने स्मेल करके छोड़ दिया है। तो क्या प्रॉब्लम आई, अभी चारा डाल देते हैं इनको जो अभी भी स्मेल ही कर रही है, खा नहीं रही है। अभी तो क्या प्रॉब्लम होगा घास में वो तो हमको भी पता नहीं है। तो अभी चारा डाल देते हैं। छोटे का घास का काम चालू है, छोटे अभी फिनिश कर देंगी सब। और इसने फिनिश कर दिया है, उसने उसका फिनिश कर दिया है और इनका डाला है वो अभी फिनिश कर रही है। तो अभी सबको घास डाल दिया है, घास सब फिनिश कर गए है। तो बेचारा डाला है क्योंकि बारिश की वजह से फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी चारा डाल दिए है, बारिश रुकने वाली है नहीं, इसीलिए अभी चारा डाल दिया है क्योंकि इसको फिर बारिश बहुत होगी तो देर हो जाएगी, इसीलिए अभी डाल दिया है चारा भी। अभी इनको मच्छर और मक्खियाँ ज़्यादा कट रही है, इसकी वजह से ऐसे कर रही है। तो उसको घास में ही प्रॉब्लम था, चारा डाला तो सब खाने लगी है। अभी घास में क्या प्रॉब्लम हुआ होगा वो तो फिर पता नहीं है। देखो ये लड़ाई करने में कितनी माहौल है। अभी मच्छर ज़्यादा कट रहे हैं, तुम्हारी भी करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, बफेलोस को भी कट रहे हैं, अभी तुम्हारी भी हम कर देंगे। तो सबको पहले घास डाल दिया था, अभी चारा डाल दिया है सबको, फिर हमको कोई चिंता नहीं, बारिश भी चालू होगी तो सबको कंप्लीट कर दिया है चारा डाल के, पानी भी पिला दिया है। अभी कोई टेंशन नहीं है, चारा भी सबको डाल दिया है, घास पहले डाला था अभी चारा डाल दिया है।
तो कांच भी हमने गोदाम में रख दिया है, तो ये उसको तो क्या प्रॉब्लम आया होगा, वरना ये भीगा भी नहीं हुआ है, फिर भी क्या प्रॉब्लम आया होगा। रखा अंदर है, यहाँ पे वाचट भी नहीं आ गई, वाचट भी नहीं आती, फिर क्या हुआ होगा। चलो छोड़ो उसको, तो अभी खेतों में पानी भरना भी स्टार्ट हो गया है। अभी से तो फूल चालू हो गई है, दोपहर इतनी नहीं थी, अभी 4:30 बजे है, फूल चालू हो गई है। तो अभी दोपहर के खाने में है प्याज और आलू की सब्जी, बाजरी का रोटला और सलाद में टिंडे और मिर्चे का सलाद है और घर की देसी छाछ। तो आज की आइटम में ये है, देखो इसको पता ही चल जाता है जब हम खाने बैठे हैं, तब जहाँ पे सोई होती है वहाँ से यहाँ आ जाती है खाने के लिए। और दो नई शैतान दो और आई है, वो तो अभी कहाँ होगी पता नहीं है कुछ। तो दोस्तों आज पूरे दिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, इसीलिए आज हम फिर से कुछ न्यू बनाने वाले हैं और वो मेरी फेवरेट आइटम है। तो अभी हम बनाने वाले हैं वकारेल खिचड़ी और वो मेरी फेवरेट आइटम है और बहुत स्वादिष्ट होती है। आपको भी कभी बनाना हो तो मैं फुल डिटेल्स देता हूँ कैसे बनाते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं मैं सुबह सब आपको दिखाता हूँ, और मेरी फेवरेट आइटम है तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। दोस्तों अभी हम बनाने वाले हैं वकारेल खिचड़ी, तो इसके लिए प्याज टमाटर आलू और मिर्चे का कटिंग करके रख दिया है। तो अभी हम वकारेल खिचड़ी बनाने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो अभी जीरू और राई डाला है और सूखा मिर्चा, और ये मीठा लिमड़ा है, तो अभी इन डाली है हरदर, तो अभी ये टोमेटो का सब मिक्स किया है वो डाल दिए, तो इसको अब मिक्स कर देते हैं हम सही तरह से करना है, और फिर सगड़ी पे लगा देना है। तो अभी ये सब बब जाए उसके बाद हम खिचड़ी डालेंगे। तो ये नमक है, दो चम्मच नमक डालना है, और अभी ये धनिया का पाउडर है, जैसे धाना जीव हम बोलते हैं इसको, तो अभी डाल रहे हैं चटनी, एक से दो चम्मच डालनी है, फिर आपके ऊपर है तीखा कितना खाना है कितना नहीं। तो अभी खिचड़ी डाल देते हैं,
ओके, इसको मिक्स कर देना है। फिर ये सब मिक्स करके दो गिलास पानी डाल देना है। तो अभी एक चम्मच चीनी नाखी है, रख देना है और दो सीटी थाए 15 मिनट रखना है। और सकड़ी को हम लगा देते हैं 800 पर। तो 800 पे लगा दिया है सकड़ी को। अभी 10-15 मिनट दो सीटी हो जाए तब तक हमको राह देखनी है, फिर तैयार हो जाएगी 10-15 मिनट में। 800 पे सकड़ी रख दी है। तो हमारी खिचड़ी हो गई है तैयार, अब खाना खा लेते हैं। हम दही के साथ खाने वाले हैं खिचड़ी को, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है दही के साथ खाते हैं। तो चलिए खाना कर देते हैं शुरू। तो अभी दही मिक्स कर दिया है, खाना खा लेते हैं। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और ये खाने में बहुत मज़ा आता है, ये मेरी फेवरेट आइटम है। तो अभी खाना खा लेते हैं।